आज स्टार्ट करते हैं। हमने स्टार्ट किया था वर्क पावर, क्या स्टार्ट किया था? दो लेक्चर पढ़ा दिए थे, दो लेक्चर वर्क पावर पढ़ लिया हमने। बेसिकली वर्क पढ़ा, क्या पढ़ा? अभी अभी एनर्जी पे शिफ्ट, सिर्फ वर्क पढ़ा। वर्क क्या डॉट प्रोडक्ट है किसका? एफ डॉट एस, क्या इसमें कोई शक की बात? ठीक है सर, हमने ये पढ़ लिया। पर एफ क्या बेटा? एफ नेट फोर्स, एफ फोर्स है जिसका वर्क डन निकालना है। वो पूछेगा नॉर्मल का, फ्रिक्शन का, किसका? टेंशन का, ग्रेविटेशन का, किसका? क्या क्लियर बात? दो बातें क्लियर। तीसरी बात, हमने देखा वर्क डन के बेसिस पे क्या कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव पड़ा। कंजर्वेटिव वो जिसका जो पाथ पे, जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड और जिसका करता है वो। और एक और चीज सीखी कल हमने, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन क्लोज लूप में कितना होता है? जीरो। कितना होता है? और उसमें जीरो, क्योंकि किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे। क्या क्लियर होगी बात? क्या एग्जाम्पल भी कराई थी? क्या फील आ गया? अच्छा सर, बहुत खूब। कंजर्वेटिव के तीन टाइप्स थे, एक कांस्टेंट, एक एफएक्स आई गैप और एक परफेक्ट डिफरेंशियल। परफेक्ट डिफरेंशियल कैसे के चेक करना है? पार्शियल इंटीग्रेट करके। क्या करना है? पार्शियल। क्या क्लियर है बात? पक्का? अच्छा सर, बहुत खूब। अच्छा, वर्क डन हमने कांस्टेंट फोर्स से भी कर दिया था और वेरिएबल फोर्स वाला भी कर दिया था। और हमने देखा था एफ वर्सेस एक्स का ग्राफ बनाते हैं तो एरिया अंडर कर्व क्या मिलता है? वर्क डन क्या मिलता है? ठीक है, बहुत खूब, कोई नई बात नहीं है। एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, सुनना ध्यान से। पहले आप बताओगे कौन सी कैटेगरी है, कौन सी कैटेगरी? कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, कौन सी कैटेगरी? ठीक है, फोर्स की वैल्यू दे रहा हूँ आपको, ध्यान से देखना। फोर्स की वैल्यू है 2xy³z² i कैप, क्लियर? प्लस क्या लिखा साथ में? प्लस 3x²y²z² j कैप। क्या क्लियर? फिर लिखा प्लस, क्या लिखा? प्लस 2x²y²z k कैप। ये आपकी फोर्स, ये क्या आपकी वर्क डन निकालना है आपने, क्योंकि हम इसको ए से बी ले जा रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हैं? और ए से बी कुछ भी हो सकता है, मान लो ए से बी है 1,1,1 से जा रहे हैं 2,2,2, कोई शक की बात? सबसे पहली बात, क्या ये कांस्टेंट फोर्स है? ये कांस्टेंट फोर्स है, अरे गधेड़े को भी दिख रहा है। क्या ये दूसरी कैटेगरी है एफ एक्स के साथ आई वाली? ये वो भी हाँ, क्या गधेड़े, इसमें वाई भी है जेड भी है। या तो ये नॉन कंजर्वेटिव है या तो ये परफेक्ट डिफरेंशियल है, दो ही चीजें। अरे हाँ ना, तो बोल, एक काम कर, सबसे पहले क्या चेक करेंगे? परफेक्ट डिफरेंशियल। क्या चेक करेंगे? पार्शियल इंटीग्रेट करके, यानी आई वाले को इंटीग्रेट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, इसको इंटीग्रेट करेंगे और इसको करें, बोल। अगर इसको करें, हम चेक करें, सिर्फ चेक करें, तो ध्यान से देख, इंटीग्रेट करना है तो बेटा बाकी दो को कांस्टेंट रखेंगे, तो सीधे लिख देता हूँ y³ z² 2x का क्या था? क्या x² आया? यहाँ पे अब किसको कर रहे हैं? y को। तो एक काम कर, x² यहाँ रख और z² यहाँ रख। y देख कैसे आता है, ध्यान से देख, 3 3 का 3 y² तो y³/3, 3 से 3, तो ये क्या आया? y³, दोनों सेम आए। इधर किसको कांस्टेंट रखना है? नहीं बेटा, x² और y² को। z का कर तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? क्यूब आएगा, ठीक है? देख ध्यान से, तीनों का सेम आए, तीनों का ऐसे सेम आए, तीनों तीनों का ऐसे है बेटा। यानी ये क्या बेटा? परफेक्ट डिफरेंशियल। क्या है ये? अब कोई दिक्कत? अगर तीनों सेम आए तो तेरे को पता हम कैसे लिख सकते हैं? क्या dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या f.dx? अरे हाँ तो बोल। अच्छा, तो ध्यान से देख, इधर भी इंटीग्रेशन डालेंगे तो क्या वर्क डन बन जाएगा? इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f.dx। पर ये तो f.dx है, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? dx²y³z² अरे हाँ ना तो बोल। और इसी को क्या के बोल देंगे? कहां से कहां तक जाना है? 1,1, कौन से 2,2 जाना है? नहीं बोलना यार, अरे हाँ ना बोल। तो कहां से कहां? 1,1,1 से कहां 2,2,2 तक। ध्यान से देख, अगर इसको के बोल दे तो आंसर के आ गया। क्या आ गया? और आंसर आया x²y³z² कहां से कहां? 1,1,1 से लेके 2,2। अब बहुत आसान है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई। तो एक बार अपर लिमिट पुट कर, अपर लिमिट क्या है बेटा? यहां पे देखिए, 2 पुट कर, 2 पुट कर, 2 पुट कर, तो 2 का ऐसे आएगा, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब और 2 का स्क्वायर, साथ में फिर माइनस लोअर लिमिट, क्या 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब और 1 का, अब जो भी आंसर आएगा ऐसे, ठीक है? अरे हाँ ना बोल। ध्यान से देख कैसे, 2 का स्क्वायर, क्या ये 4 आ जाएगा? क्या ये 8 आ जाएगा? क्या ये 4 आ जाएगा? क्या -1 आ जाएगा? 4 4 16 आ जाएगा, 16 8, क्या ये 48 आ जाएगा? क्या ये 128 आ जाएगा? 128 क्या 127 जूल आ जाएगा?
अरे हाँ ना बोल, देखे तेरे सामने। अरे जो किया समझ आया या नहीं पता चला? आया नहीं सर। सिंपल, क्या क्लियर होगी बात? पक्का? अब फंसोगे तो नहीं ना, ये मैं करवा चुका हूँ, ऐसा क्लियर है बात? अब थोड़ी स्प्रिंग की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? क्या स्प्रिंग हमने पढ़ा हुआ? हाँ हमने स्प्रिंग पढ़ा हुआ, और स्प्रिंग फोर्स आती थी माइनस के एक्स, क्या आती थी? और के बोलते थे स्प्रिंग कांस्टेंट, क्या बोलते थे? और एक्स होता था डिस्प्लेसमेंट, कहां से? मीन पोजीशन से। कहां से? मीन पोजीशन से। और मीन पोजीशन से होता था ना, है ना? पक्का? कहां से होता था? या नेचुरल लेंथ से? ध्यान से सोचो, मैंने तोड़ना तो मैंने बता दिया तेरे को। एक्स कहां से मेजर करते थे ये बताओ? नेचुरल लेंथ से। कहां से बेटा? नेचुरल लेंथ से। अबे सुन, मीन पोजीशन पे ऐसा रखा हो तो सेम, जब एमजी लगता फिर थोड़ी था, याद है? करवाए हैं, कितने ही सवाल कराए हैं। हाँ ना तो बोल। मीन पोजीशन तो वो है जहां पे एफ नेट जीरो है, पर अगर वो हर बार नेचुरल लेंथ हो जरूरी, क्योंकि जब हम ऐसे रखते हैं तो एमजी तो नीचे लग रहा है, तो नेचुरल लेंथ से तो खिंचो जाएगा ना वो, तो एक्स कहां से मेजर करना है हमने? नेचुरल लेंथ से। कहां से? या मीन पोजीशन से। वेरी गुड। अच्छा अब हमने पढ़ने हैं वर्क डन, क्या पढ़ने हैं? बाय स्प्रिंग। यार एक बात बता, जो स्प्रिंग फोर्स है वो क्या? माइनस के एक्स। माइनस का सिर्फ इतना मतलब है, यहां खींचेंगे तो यहां लगेगी, यहां खींचेंगे तो ऐसे ही दबाएंगे तो वहां लगेगी, पर फील करो ये फोर्स कांस्टेंट। अरे एक्स पे डिपेंड कर रही है ना यार, आपको पता भी ये स्प्रिंग है, अगर मान लो ये स्प्रिंग है, पर फील करो, थोड़ा सा दबाएंगे, थोड़ा सा दबाएंगे, थोड़ा सा दबाएंगे, फिर थोड़ा सा दबाएंगे, तो जैसे जैसे हम दबा रहे हैं अंदर की तरफ, जैसे जैसे हम, या स्प्रिंग भी तो बाहर की लग रही है, तो फोर्स लगातार बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है। बढ़ रही, तो इसका मतलब वेरिएबल फोर्स है ना, कांस्टेंट फोर्स है। तो ध्यान से देख, मान लीजिए यहाँ पे कोई स्प्रिंग लगा है, क्या लगा है? और यहाँ पे कोई ब्लॉक रखा है, क्या रखा है? और ये ऐसे सरफेस, क्या क्लियर बात? पक्का? अच्छा ये है इसकी नेचुरल लेंथ, क्या है ये इसकी? कोई शक की बात? अरे हाँ ना बोल। अच्छा सर बहुत खूब, बहुत मजा आया। हाँ ना सर बोल। अब हुआ क्या, मैंने इसको यहां से एक्स खींचा, कितना खींचा? एक्स खींचा। अभी इस टाइम ये यहाँ पे, इस टाइम ये यहाँ पे, आपने बताया वर्क डन निकालो, क्या निकालो? वर्क डन निकालो। अच्छा ये फिर से पढ़ेंगे हम, इसको फील भी आएगा आपको जब हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? बट अभी सिंपल उसने क्या पूछा? वर्क डन निकालो, क्या निकालो? उसने बोला ये स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है के, क्या है बेटा? तो हम सीधे बोलेंगे हमको पता है वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितनी होती है तेरे को पता है? माइनस के एक्स। डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? एक्स। तो हम क्या लिखेंगे? माइनस के एक्स इनटू एक्स, तो आंसर आ गया माइनस के एक्स स्क्वायर, जो कि बिल्कुल गलत है, जो कि बिल्कुल। अबे गधे लो, ये फॉर्मूला तभी लगता है जब एफ कॉन्स्टेंट हो। क्या हो? एफ कॉन्स्टेंट। क्या हो बेटा? तुझे कौन सा फॉर्मूला याद रखना है? डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स, सिंपल सी बात। अरे हाँ ना बोल, क्या क्लियर है बात? पक्का? अगर तू तो ध्यान से देख तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आया? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, फोर्स की वैल्यू क्या? माइनस के एक्स डॉट डी एक्स। पर सबसे बड़ी बात है बेटा, इसको डेफिनेट बनाना है ना, हमको पता चलना चाहिए कहां से कहां जा रही है। तो मान ले मैं यहां पे था, इनिशियल पोजीशन मेरी ये थी, इसको मैंने बोला एक्स आई, क्या बोला? इसको मैंने और खींचा और मैं यहां पे चले गया एक्स फाइनल पे, कहां चले गया? तो कहां से कहां जा रहा हूं? एक्स इनिशियल से। जनरलाइज करते हैं सिचुएशन तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देख, माइनस के कॉमन क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई टू, क्या आया? एक्स इनिशियल से एक्स। तो ध्यान से देख, वर्क डन आया माइनस हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का, दिस इज द वर्क डन। क्या फील आया? नहीं आया? अरे हाँ ना तो बोल। अगर किसी तरीके से एक्स इनिशियल बड़ा हो जाए तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, पता है ना यार, इसका स्क्वायर बड़ा कर दे तो ये प्लस आया, तो माइनस माइनस का प्लस हो गया। क्या क्लियर हो गई बात? समझ आया? हालांकि फिर से इसका अच्छा कॉन्सेप्ट पता चलेगा जब आप पोटेंशियल एनर्जी जान लोगे। क्या जान लोगे? क्या जान लोगे? क्या जान लोगे? बिल्कुल, क्योंकि जब हम इसको खींच रहे हैं तो हम क्या पोजीशन चेंज कर रहे हैं, इसकी थोड़ा चेंज कर रहे हैं, तो जितना हमने कार्य किया वो पोटेंशियल एनर्जी में सेव हो जाएगा। किसमें? वो फिर से समझेंगे। हालांकि पोटेंशियल एनर्जी तो मैंने पढ़ाई ही नहीं, पर क्यों समझाया थोड़ा सा? क्योंकि आपने 9वीं 10वीं में इसका नाम सुना हुआ है, सुना हुआ है आपने, ऐसा सुना है धरती से ऊपर ले जाओ तो एमजीएच, सुना है? नहीं सुना है? ऐसा सुना है ना हर बार, जो वो हम धरती को रेफरेंस मानते हैं। क्या मानते हैं? मैं इस पोजीशन को अभी रेफरेंस मान सकता हूँ, इसको बोल सकता हूँ जीरो, क्या बोल सकता हूँ? एक फिजिकल बात बताता हूँ, हम बोलते हैं धरती से यहां ले आए तो बोलते थे एमजीएच, पर तब जब धरती पे जीरो, धरती पे कितनी?
अगर धरती पे एमजीएच तो यहाँ पे टू एमजीएच। हाँ फील आया। धरती पे थ्री एमजीएच तो यहाँ फोर एमजीएच। सिक्स कैसे, गधेड़ा है क्या, एक प्लस करने नहीं आता ऐसे, मतलब सड़ी हुई बातें नहीं किया करो बेटा। अगर यहाँ पे सिक्स एमजीएच तो यहाँ पे सिंपल मान ले, मैं बोलता मेरे हाथ में पोटेंशियल एनर्जी जीरो, कितनी, तो मैं धरती से कोई चीज जब ऊपर ला रहा हूँ तो बढ़ रही है या जीरो हो रही है। हाँ तो रेफरेंस पे किए ना, क्या गेम है बेटा, बाद में सीखेंगे, पर ये कॉन्सेप्ट आपको दोबारा आएगा आगे से। क्या क्लियर है बात, पक्का समझ आ गया, क्या वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स निकाल सकते हो? हाँ कोई बड़ी बात नहीं, कल वर्क डन बाय फ्रिक्शन पढ़ा था ना, आज स्प्रिंग फोर्स पढ़ा दिया। क्लियर? अच्छा सर बहुत खूब। एक क्वेश्चन कर ले इस पे हल्का सा, कर ले इधर ही करा दू, देख ले। मान ले उसने बोला ऐसे सेटअप ले ले, उसने बोला ये है 2 सेंटीमीटर, कितना, और ये भी है 2 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, और के की वैल्यू दे दी उसने 400 न्यूटन पर मीटर, कितनी, उसने बोला फाइंड वर्क डन, क्या लिखा, फाइंड वर्क डन, क्या बेटा, तो कोई दिक्कत नहीं है ना यार, वर्क डन बाय फॉर्मूला क्या है, उधर से देख, माइनस हाफ के की वैल्यू क्या, 400 बेटा, फाइनल का स्क्वायर इनिशियल का स्क्वायर। अब बात आती है फाइनल इनिशियल कहां से लेना है, वेरी गुड, नेचुरल लेंथ से, कहां से लेना है, 0,0 से ना यार, ये 0,0 हो गया नेचुरल लेंथ, ध्यान से देख, नेचुरल लेंथ से एक्स फाइनल कितना दूर है, 4, और ये कितना दूर है, 2, तो क्या लिखेंगे, क्या 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ध्यान से देख, याद आएगा 200, 16 माइनस 4, 16 माइनस, तो क्या 12, अरे हाँ ना बोल, साथ में लिखेंगे 10^-4, क्यों लिखा ये बताना, 10^-4 होता जी, यार दांत तोड़ देना मैंने, सड़ी हुई बातें नहीं किया करो मेरे साथ, कौन सा जी लग रहा है इसके ऊपर, 10^-4 क्यों आया, ये क्या लिखा है इसके आगे, 2 सेंटीमीटर, वो हम मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, 2 सेंटीमीटर, मीटर के 10^-2 स्क्वायर करेंगे तो -4, इधर से कॉमन निकालो तो बाहर आया, जी लग रहा है, -4 होता है जी, है ना 10^2 जी, नॉर्मल को बैलेंस नहीं कर रहा जी, अगर एम जी लग रहा है तो बैलेंस नहीं कर रहा उसको, वो उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, कितना जो भी आया कर देना, क्या 2400 आया, अब सब सकते नहीं खाना यार, 2400 आया, 4 आया, वो 0.24 आया, जितना भी आया कर लेना, क्या क्लियर है बात, तुम ऐसे शर्म आती है यार, कितना क्या मतलब क्या पढ़ा रहे हो और तुम क्या पढ़ते हो, ये 10^-4 क्यों आया, कहीं बात हो रही है यहाँ पे फॉर्मूले में, कहीं बात है जी की, है कहीं पे, तो कहाँ से आ गए जी यहाँ पे, उड़ के आ गए कहीं से, 10^-4 होता है जी, बेशर्मो सबसे पहले चेक किया करो मीटर सेंटीमीटर, ऐसा ही की कहानी चल रही है ना सारी, आंसर जून में चाहिए ना तो सेंटीमीटर में अर्घ मिले, आंसर निकाल रहा हूं मैं, खून उबालते और कुछ नहीं करते, बस मन नहीं करता फिर पढ़ाने का, बस इससे अच्छा मैं ना कैमरे के आगे पढ़ा दूं ना, वो भी बेस्ट है, कैमरे के आगे पढ़ा दूं बेस्ट है यार, तुमने लाइकों से अच्छा, ये तब होता है जब सिर्फ यहाँ पढ़ना हो ना, घर जाकर प्रैक्टिस नहीं करना, फिर ऐसी बकवास निकलती है, कोई लॉजिक है, अबे दिमाग कहाँ होता है मैं तुम्हारा, ये सिर्फ गाने सुनने में और फोन चलाने में दिमाग होता है, पढ़ाई को मजाक ले लिए, पढ़ाई मजाक नहीं है, 100 बार बताया भाई, पढ़ाई एक सीरियस काम है, मजाक की तरह मत लो इसको, फन है ही नहीं इसमें, अगर इसमें फन होता सब कर लेते, पढ़ाई को मजाक बना दिया, साइंस इज फन, फिजिक्स इज फन, दिमाग खराब करती है, यहाँ पे देख काइनेटिक एनर्जी क्या पढ़ रहे हैं आप, छोड़ पुरानी बात, क्या है बेटा काइनेटिक एनर्जी, क्या है ये काइनेटिक एनर्जी, बिल्कुल सत्य बात है, कोई शक की बात नहीं है, देख काइनेटिक एनर्जी क्या चीज है, कोई भी चीज है, कोई भी तो मास तो होगा ही उसके पास, अगर उसके पास वेलोसिटी है ना, क्या बेटा, तो उसके पास क्या है काइनेटिक एनर्जी, आपने ऐसे पढ़ा होगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², अरे पढ़ा है नहीं, पर बेसिक इसको बोलते हैं 1/2 mv·v·, अब कहां से आया आपको उसका लेने देना, काइनेटिक एनर्जी यही है 1/2 mv², यानी किसी भी चीज के पास, किसी भी चीज के पास, तो मास की तो बात ही नहीं है, मास तो होगा ही होगा, पर किसी भी चीज के पास अगर वेलोसिटी है, क्या है बेटा, उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, क्या है उसके पास काइनेटिक एनर्जी, अच्छा सर बहुत खूब, अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा तो काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है बेटा, स्केलर क्वांटिटी है, पहली बात,
क्या काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव हो सकती है? फॉर्मूले से देख के बताओ, क्या मास कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, पर जब उसको स्क्वायर करेंगे तो कैसी आएगी? तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा कैसी रहेगी? वेरी गुड। आपके सिलेबस तक क्वांटम में चले जाओगे तो पहला टॉपिक ही नेगेटिव पढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी। पर आप में जब तक आपने पढ़ना है 10वीं 12वीं, जब तक आपके लिए काइनेटिक एनर्जी हमेशा नेवर नेगेटिव। क्या फील आया? अरे हाँ ना बोल। अच्छा तेरे को पता है वर्क डन का यूनिट क्या है? जूल। इसका भी क्या है? जूल। क्या है इसका भी? जूल। इसका भी क्या है? तो डायमेंशन क्या हो गया? M1 L2 T-। सबसे बात आती है इसका डायमेंशन जूल क्यों है सर? क्योंकि बेटा इसको डायरेक्ट कनेक्ट किया जाता है वर्क डन से। किसे? आप समझाता हूँ इसके असली डेफिनेशन जो काम की। क्या काइनेटिक एनर्जी है इस मार्कर के पास अभी? अभी वेलोसिटी रेस्ट पे है तो काइनेटिक एनर्जी अभी है। अभी है क्यों? वेरी गुड। मास तो है ही ना, मास की बात ही नहीं कर रहा, मास तो है। अच्छा पहली बात एक और चीज देख लेना, काइनेटिक एनर्जी फ्रेम पे डिपेंड करती है। किस पे? और हमारा फ्रेम है अर्थ। जनरल चीजों के, क्योंकि देखना फील कर, अर्थ क्या घूम रही नहीं है क्या? तो कोई मार्स से देखा तो अर्थ घूम रही है, तो हम भी घूम रहे हैं, तो हमारे पास भी काइनेटिक एनर्जी है। पर मैं जब तेरे को देख रहा हूँ तू क्या बैठा हुआ है काइनेटिक एनर्जी? तो देखने पे डिपेंड करता है। पर हमने सारी चीजें कहाँ से देखनी है? अर्थ से। तो मेरे लिए तेरे पास इस टाइम तेरी कोई काइनेटिक एनर्जी और मेरी भी कोई काइनेटिक एनर्जी, फील किया इस बात को? पर कोई मार्स से देख रहा था उसके लिए तो ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, पर हमने कहाँ से कंसिडर करना है? अर्थ से। क्लियर? अच्छा अब बात आती है काइनेटिक एनर्जी वर्क डन से कैसे कनेक्ट है, क्योंकि ये तो जूल है इसका, ये तो क्या बेटा? अच्छा फील कर, अभी वेलोसिटी कितनी? मान ले अभी वी हो जाएगी, अभी कितनी वी? अभी अभी क्या जीरो से बी करने में मैंने कुछ कार्य किया? काम किया नहीं किया? क्या फोर्स लगाई? डिस्प्लेसमेंट हुई? हुई ना। और क्या पता कई बार ऑपोजिट में लगाई फोर्सेस पे, क्या पता कई बार फ्रिक्शन के अगेंस्ट चलाऊं, एयर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट चलाऊं, कहीं भी चला सकता हूं। क्या मैंने कार्य किया? नहीं किया। वो जो कार्य किया वो क्या मैंने जीरो से बी वेलोसिटी बढ़ाने में लगा दिया? तो जो वो कार्य किया वो कहां गया? गायब थोड़ी हो गया। क्या उस कार्य ने इसकी वेलोसिटी बढ़ाई? हाँ, तो वो कार्य कहां सेव हो गया? जो कार्य है वो कहां सेव हो गया बेटा? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। क्या फील आया? नहीं आया फील? आया क्यों? जूल है इसका ऐसा यूनिट भाई, वर्क का जूल है ना इसका। क्यों जूल है? क्योंकि जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो कहां सेव हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। क्या पोटेंशियल एनर्जी एमजीएच पढ़ते हो? क्या मार्कर जीरो से उठा के यहाँ एमजीएच पे रखूं? क्या पोटेंशियल एनर्जी एमजीएच होती है? होती है ना, पढ़ी है ना, पढ़ी है ना। तो अगर उसी लेवल पे बताऊं तो मार्कर नीचे पड़ा था कि कार्य किया ऊपर लाने का, तो कार्य कहाँ सेव हो गया? हाँ वो एमजीएच क्या? पोटेंशियल एनर्जी। उस टाइम कार्य कहाँ सेव हुआ? पोटेंशियल एनर्जी में। इस टाइम कार्य कहाँ सेव हुआ? फील आया या नहीं पता चला? एक चीज बेटर है, पोटेंशियल एनर्जी में वेलोसिटी का होना जरूरी? यार ये देख इसके पास, अगर मैं इधर मानू यहाँ जीरो, यहाँ पे एमजीएच है। अरे हाँ ना बोल। तो कार्य यहाँ पे सेव हो गया, पर चल पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं करूं, कि काइनेटिक एनर्जी फील आया, समझ आया? अरे हाँ ना बोल। लिखना है अपने लफ्जों में वेलोसिटी की, किसी किसी भी चीज की, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो से वी करने के लिए जो कार्य लगा, जो कार्य वो किसकी फॉर्म में स्टोर हो गया? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। क्या क्लियर होगी बात? पक्का? अरे हाँ ना बोल, गारंटी? ठीक है समझ आया या नहीं पता चला? नहीं पता चला तो पूछ, अभी पूछ ले अभी। देख बिना कार्य के यहां से यहां जा, कुछ कार्य किया होगा और इसके और भी फोर्स उसके अपोजिट किया होगा। अरे हाँ ना बोल। तो वो कार्य कहाँ सेव हो गया बेटा? सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस यही है जो है। दूसरी बात, काइनेटिक एनर्जी हमेशा कैसी रहेगी? कैसी है? डिपेंड करती है, हाँ फ्रेम पे डिपेंड करती है। हमारा फ्रेम कौन सा? अर्थ। हमारा फ्रेम कौन सा? अर्थ। ठीक है भाई। और ये क्या है? जूल। और ये क्या है? डायमेंशन फॉर्म। ये क्या है? सिंपल। क्लियर बात? अच्छा सर और खूब। अब इसका ना एक फॉर्मूला बेसिक बनाया जाता है, सुन ले कैसे। क्या तुझे मोमेंटम पता है? मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम वेक्टर एंड स्केलर। देख गधेड़े वाली बातें मत करो, आपको पता है, सुनो। किसी स्केलर को डॉट प्रोडक्ट, ये डॉट प्रोडक्ट है,
अगर शर्म किया करो बेटा, फील कर। अगर स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा वेक्टर आता है। तो मास तो स्केलर है ना यार, वेलोसिटी वेक्टर है ना, तो आंसर क्या आएगा? तो क्या दिक्कत है? सिंपल। अगर ये चीजें तू लगा नहीं पा रहा है तो कोई सेंस नहीं है। ध्यान से देख, मोमेंटम का मास इनटू वेलोसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिख सकते हैं? ध्यान सुन, हाफ एम वी स्क्वायर इंटू एम बटे एम। बोलना यार, तो ध्यान से देख, इसको ऐसे बोल सकते हैं एम स्क्वायर वी स्क्वायर। तो m into v का मोमेंटम, तो काइनेटिक एनर्जी का कोई फॉर्मूला आता है p स्क्वायर बाय 2m। क्या याद रखेगा मेरे लिए? या p को हम बोल सकते हैं अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। बहुत काम आता है। क्या क्लियर हो गई? पक्का याद रखेगा या भूल जाएगा? याद रखेगा, भूल जाएगा, याद रखना पड़ेगा। क्या क्लियर है बात? पक्का काइनेटिक, काइनेटिक एनर्जी खत्म नहीं होगी। मैं तो थोड़े पढ़ा के खत्म कर दूंगा, पर अब ये आप ऐसे सोचो कि लगती जाएगी, लगती जाएगी, 12th तक लगती जाएगी। क्या क्लियर होगी? आपने थोड़ा थोड़ा नाम सुना होगा, स्कूल में शायद पढ़ा दिया होगा, वर्क एनर्जी थ्योरम। सुना थोड़ा सा नाम, वर्क एनर्जी थ्योरम। बेटा ये ऐसी थ्योरम है ना, ये लगती जाएगी बेटा, अब लगती जाएगी बस। तो ये ऐसे ये नहीं सोचना खत्म हो जाएगी। ये बेसिक्स थोड़ा सा पढ़ा दिया मैंने, ये लगता जाएगा, लगता जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी भी थोड़ी पढ़ाऊंगा, फिर कंबाइन होकर अच्छे सवाल आएंगे। अभी एक दो सवाल करा दूंगा इसका, पर वो पेपर में आएगा, इतने आसान सवाल आते, पर बेसिक यहीं से स्टार्ट करेंगे। बता दूं काइनेटिक एनर्जी समझ के थोड़ी बहुत ही। चल वेरी गुड सर, बहुत खूब, काइनेटिक एनर्जी समझ गए हम। चला दो क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मान ले कोई फ्रेम है, क्या है कोई फ्रेम, यहाँ पे ब्लॉक पड़ा है 2 kg का। कितने kg का? मान ले इसको फोर्स लगाई 20 N की। कितने न्यूटन की? मैंने लगाई इसको फोर्स। क्या क्लियर होगी बात? अच्छा ठीक है, माने किसी ने भी लगाई, मुझे नहीं पता। और ये फ्रेम आगे जा रहा है 4 m/s से, कितने से? कोई शक की बात? वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी। ठीक है सर, बहुत खूब। मैंने बोला ये जो ब्लॉक है, ये जो टाइम जीरो पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी, उसने बोला फाइंड काइनेटिक एनर्जी, फाइंड। मैम बैठी है यहां पे और सर बैठे हैं ग्राउंड पे, यानी मैं बैठा हूं वहां, मैम बैठी है। मैम के हिसाब से बताओ, मेरे हिसाब से भी, यानी ए ए वाली काइनेटिक एनर्जी भी बताओ, उन्होंने कितनी देखी, मैंने कितनी देखी, ये भी बताओ। टाइम का दिया 2 सेकंड पे, कितने सेकंड पे? क्या क्लियर है? क्या ये शून्य की कहानी है? पर टेंशन नहीं ले, तेरे को पता है फॉर्मूला क्या काइनेटिक एनर्जी का। अगर मैम देख रही है तो फॉर्मूला है क्या, हाफ एम बी स्क्वायर। तो ध्यान से देख, हाफ एम, मास की वैल्यू कितनी है? 2। वी स्क्वायर क्या बेटा? वी स्क्वायर। इनिशियल तो 0 है, हमको क्या 2 सेकंड में पूछिए? कितने सेकंड पे? कितने सेकंड में पूछिए? 2 सेकंड पे पूछिए। जब 2 सेकंड पे पूछी है, जब 2 सेकंड पे पूछी है, तो ध्यान से सुन, क्या लगाएंगे? क्या v इज इक्वल टू u प्लस 80? क्या u प्लस 80 का स्क्वायर? यस सर। अरे हाँ ना बोल, पर u तो 0 है। यस सर। तो ध्यान से देख, 2 से 2 पीछे का बचा 80 का स्क्वायर, क्या बचा? ध्यान से देख एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, क्या फोर्स अपॉन मास, फोर्स कितना है, मास कितना, तो एक्सेलरेशन, तो ध्यान से देख क्या आ जाएगा, 10 × टाइम का 2 पूछा है, तो कितना है 20 का स्क्वायर, यानी 400 जूल। काइनेटिक एनर्जी जब मैम ने देखी, तो मैम के लिए कितनी काइनेटिक एनर्जी आई? 400 जूल। कितनी आई? सिंपल। क्या फ्रेम पे डिपेंड करती है? हाँ भाई, सीखा है हमने। तो काइनेटिक एनर्जी जब सर ने देखी, कैसे देखी? मैंने देखी, तो आंसर क्या, हाफ एम बी स्क्वायर। अरे मास तो सेम ही रहा, पर वेलोसिटी सेम। ध्यान से देख, हाफ इंटू 2 × क्या यू प्लस 80 का स्क्वायर। क्या इनिशियल वेलोसिटी सर के लिए 0 है? सर के लिए 0। अगर वो 4 से जा रहा है, तो मैम भी 4 से जा रही है, तो ये भी, पर ये थोड़ी जा रहा है 4 से। तो इसने जब देखा, तो ये पूरा फ्रेम 4 से, तो ये भी, तो यानी इनिशियल वेलोसिटी कितनी आएगी? वेरी गुड, 2 से 2 कटा, तो ये क्या आ गया? ध्यान से, क्या 4 + a × t तो सेम ही रहा, a कितना 10, t कितना, तो क्या 20 का स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए कितना आया, 24 का स्क्वायर कितना आया। ध्यान से देखिए आएगा 24 × 24 कितना आया, तो निकाल दे 24 × 24। तो ध्यान से ये 16 आया, ये 9 आया, ये 8 आया, ये 4 आया, ये 5 आया, ये 6 आया, ये 117 आया, ये 676 आया, कितना आया? 676 जूल। देख लेना कैलकुलेशन ठीक होगी गलत होगी। क्या क्लियर है बात? सॉरी वक्त, पांच आएगा क्या? हाँ ये 4 आया ना, अबे 2 × 2 = 4 आया ना, तो 576 आ गया, कोई बात नहीं। अब मेरी बात सुन, क्या काइनेटिक एनर्जी मेरे देखने और मैम के देखने पहले आ गया? तो डिपेंड करती है ना फ्रेम पे, वही तो बता रहा हूँ। पर ऐसे सवाल आपको, अच्छे सवाल आएंगे आपको, पोटेंशियल एनर्जी इसको मिक्स करा के सवाल आएंगे, काइनेटिक एनर्जी जो वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ेंगे उसके बेस पे। क्या क्लियर है बात? पक्का समझ आया?
हाँ ना बोल, ठीक है कल थोड़ी आज बस करते हैं इतना, कल पोटेंशियल एनर्जी पे स्टार्ट करेंगे। किस पर स्टार्ट करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी पे। किस पर स्टार्ट करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। क्या क्लियर है बात? पक्का कि सबके, हम बोलते हैं सबके पास पोटेंशियल है, बस निकालने की देरी है। कैसे निकलता है? डंडे से। किससे? तू आपने एक चीज फील किया होगा, आपको होमवर्क दो आप करके नहीं आते हो, एक डंडा पड़े तो आप होमवर्क करके आते, होता है ऐसा? नहीं होता है। अगर आपके एक बार नंबर कम आएंगे, दो डंडे पड़ेंगे अच्छे लाल लाल के, तो क्या अच्छे नंबर आएंगे? हाँ अच्छे नंबर आएंगे। तो वो डंडा क्या है? बट आपका पोटेंशियल बाहर निकाल रहा है। वो क्या कर रहा है? आपका पोटेंशियल तो जरूरी है नहीं है वो, आ जाओ खा लो फिर एक एक रहने दे। चलो ठीक है, क्या क्लियर है बात? कुछ पूछना है? अच्छा एक एक क्वेश्चन और देखे, देख लिया जाते जाते देख ले, फिर बेसिक सवाल है प्रोजेक्टाइल का, किसका देख लिया। उसने बोला एंगल बताओ भाई, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताओ, क्या बताओ? फाइंड थीटा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं फाइंड थीटा, फाइंड थीटा व्हेन, ऐसे लिख रहा फाइंड थीटा इफ काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एट एच मैक्स एज दैट ऑफ इनिशियल। उसने बोला थीटा बताओ, क्या बताओ बेटा? थीटा बताओ, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताओ, कितना कितने डिग्री पे आपने उसको फेंका कि उसकी काइनेटिक एनर्जी एच मैक्सिमम पे जाके क्या हो गई? हाफ हो गई इनिशियल के। क्या हो गई? जीरो लिखा है यहां, लिखा कहीं पे जीरो? कहां सोएगा होते फिर? जीरो कहां है? जीरो कहां है? गलती बेटा तेरे से गलतियां ही होती रहती हैं, तो गलती सुधारनी है नहीं, या मार खा के सुधारनी है? अगर अभी से तुम्हारा ये हाल है ना, कैसे किया होगा? क्या ये एच मैक्स होगा? अरे हाँ ना, तो बोल। क्या ये हॉरिजॉन्टल रेंज होती है? क्या टाइम ऑफ लाइट होता है? तीनों का फॉर्मूला बोल। पढ़ा है नहीं, याद है? और तीसरा क्या होता है? एच मैक्स। क्या सबका फॉर्मूला बता सकते हैं? अंडर रूट टू एच बाय जी। फ्री, हम फ्री फॉल पढ़ रहे हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी के या प्रोजेक्टाइल मोशन? फिर डेरिवेशन कहाँ से याद होनी है तुम्हें? हमको तो ये थीटा निकालना भाई, यू कॉस थीटा यू साइन थीटा। यस सर। क्या वो टाइम ऑफ लाइट बता, तीनों में से एक भी फॉर्मूला बता दे। तीनों में से एक भी बता दे। चल तू तब तक हम क्वेश्चन देखते हैं जरा। उसने बोला एच मैक्स, क्या बोला? उसने बोला यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है के, कितनी है? और यहाँ जाके क्या हाफ हो जाएगी? तो कितनी होगी? के बाय टू। कितनी होगी? के बाय। पर तेरे को पता है यार, यहाँ पे अगर वेलोसिटी यू है तो यहाँ पे क्या यू कॉस थीटा होती है? पढ़ी है नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक्स वाली होगी, क्योंकि एक्स वाली क्या है? यू कॉस साइन थीटा। ये वाई वाली तो जीरो हो जाती है। तो ध्यान से देख, उसने बोला काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या? हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम के यू स्क्वायर, ये इनिशियल वाली, कौन सी वाली? जब यहां पहुंचेगा तो इसको फाइनल बोल दे, तो आंसर क्या आ जाएगा? क्या हाफ मास तो सेम ही रहा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अरे हाँ ना बोल। बट उसने बोला ये जो के फाइनल है, ये इनिशियल क्या हाफ है? तो इसको क्या बोल सकते हैं? के इनिशियल बाय टू बोल सकते हैं? नहीं, अगर तू ध्यान से देख, के इनिशियल की वैल्यू पता है क्या? तो पुट कर देते हैं यहाँ पे, ये क्या आ जाएगा? हाफ एम यू स्क्वायर क्या बाय टू, टू से टू, एम से एम, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर, क्या बचा? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन बाय टू। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या? वन बाय रूट टू। तो वन बाय रूट टू कब होता है? कॉस वन बाय रूट टू की वैल्यू कब होती है? वेरी गुड। तो थीटा की वैल्यू कितनी है? सिंपल, यानी अगर आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री पे है तो आपकी काइनेटिक एनर्जी एक्स मार्क्स तक कितनी हो जाएगी? आधी। कितनी हो जाएगी? सिंपल। क्या तीनों में से कोई फॉर्मूला याद है? क्यों एक भी याद नहीं आ रहा है? क्या पढ़ाई की है? क्या है बता? यस सर। क्या पढ़ाई बता, फॉर्मूला बता।
चलो ठीक है, कल पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट करेंगे, ठीक है।